बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 1 का cos थीटा और 1 - cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस cot। ये मैं दोबारा कर दूं इसे सही, cot थीटा होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल करना है तो हम पहले राइट हैंड साइड ले लेंगे, क्योंकि इस साइड से हमें कुछ ऐसा फाइंड आउट नहीं हो रहा कि हम इसको सॉल्व कर सकें, लिहाजा इसकी मदद से हम cos और sin निकाल सकते हैं, तो हम इधर ले आएंगे। लिहाजा cos थीटा जो है राइट हैंड साइड में ले रहा हूं स्टूडेंट, पहले cos जो है ये 1 और sin थीटा है, इसमें कोई शक नहीं है, प्लस cot थीटा होता है cos थीटा ओवर sin थीटा होल स्क्वायर। ठीक है जी, आप इसको पहले सॉल्व कर लें, sin थीटा आ गया LCM, ऊपर आ गया sin थीटा, सॉरी 1 plus cos थीटा होल स्क्वायर ये आ गया। कैसे आया देखें, sin थीटा LCM आ गया, sin थीटा से कट गया 1 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, sin थीटा से कटा cos थीटा ऊपर आ गया होल स्क्वायर, इस तरह हो गया। अब इस तरह से करेंगे हम 1 plus cos theta whole square divided by sin square theta, इसको ओपन कर देते हैं। sin square theta किसके इक्वल है ये देखें, ये sin square theta उधर चला जाएगा, sin square theta किसके इक्वल है, sin square theta इधर आएगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 minus cos square theta के इक्वल है। तो इस तरह लिखेंगे 1 plus cos theta whole square divided by 1 minus cos square theta, यानी sin square theta की वैल्यू इस आइडेंटिटी से मालूम की और वहां पर sin square theta की वैल्यू ये लिख दी। कैसे है, sin square theta इधर रहा, ये माइनस हो गया, चला गया 1 minus cos square theta, तो ये sin square theta की वैल्यू है 1 minus cos square theta। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट देखिएगा, 1 plus cos square theta होल का स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय एक दफा माइनस एक दफा प्लस, 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, सही। अब ये देखिए ये स्क्वायर है, ये एक दफा ये एक जो है इस दो से कट गया, तो ये तो कट गया, ये कट गया सारा, ये अकेला रह गया, तो आंसर आ गया 1 plus cos theta divided by 1 minus cos theta। तो ये देखिए इसको हमने लेकर के चले सॉल्व करते हुए इधर आए, तो आपने देखा एंड पर हमारा आंसर जो है वो इसके इक्वल हो गया। यू कैन से दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि पहले हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 अपने खत्म होता है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।